नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांकेर में चुनावी सभा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा जारी हो गया है। सभी केंद्रीय नेताओं का आने जाने का सिलसिला भी जारी है। सभी प्रचार प्रसार के साथ ही अपने प्रत्याशियों का समर्थन करने पहुंच रहे हैं। आज के बाद गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वो 4 नवंबर को प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करेंगे। वैसे पीएम मोदी नवंबर महीने में 15 दिनों के भीतर 3 बार छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होने जा रहा। प्रथम चरण के मतदान को लेकर माहौल बनाने में भाजपा ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। यही कारण है कि भाजपा के स्टार प्रचारकों यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम कर्तव्य पथ दिल्ली में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बिलासपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए नेहरू युवा केंद्र के पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक धनेश रजक ने 4 ब्लॉक बिल्हा, मस्तूरी, तख्तपुर और कोटा ब्लॉक से लिए गए माटी को सौंपा। छत्तीसगढ़ से 208 स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। कभी अच्छी और गुणवत्ता युवक सड़क के रेलवे का उद्घाटन प्रस्तुत किया जाता है। विडंबना है कि अब ये मिथ्या टूट रही है। रेल अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से घटिया निर्माण कार्य जारी है। ताजा मामला बुधवारी बाजार का है, जहां ठेकेदारों ने सड़क निर्माण के नाम पर गिट्टी बिछा दिया है। 1.5 महीने बाद भी निर्माण अधूरा है, जिससे लोगों को खासा दिक्कत हो रहा है और लोग काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।